नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो बिहार में बिहार कम्पिटिटिव कम्बाइंड कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2021 सेशन में अभी होने वाला है उसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो कब इनके फॉर्म रिलीज़ हो सकते हैं और कितनी सीटें हैं, कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या दूसरे स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कौन से कॉलेज है, कितनी उनमें सीटें हैं, और कैसे आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस रहता है, सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को, तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दे रखे हैं, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ये BCECE एंट्रेंस टेस्ट होता है 2021 सेशन में, इसके फॉर्म अभी तक रिलीज़ नहीं हुए। तो इसके अंडर जो कोर्सेज आते हैं जिसमें आपके एडमिशन होते हैं वो आपके फार्मेसी, एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंस कोर्सेज और आपका BSc नर्सिंग कोर्सेज इसके अंडर आते हैं। तो इन कोर्सेज में आपके एडमिशन होते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या आपकी गाइडलाइंस रहती है। तो फार्मेसी, हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर और BSc नर्सिंग कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट आपका होता है। तो आपके इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अलग अलग आपके जो कोर्सेज हैं उसके वाइज। तो देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न। तो इसमें आपके जो तीन सब्जेक्ट आपको लेने थे, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं अगर आप मेडिकल स्ट्रीम में, अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं, या मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट है आपके थ्री जो आपके हैं सब्जेक्ट उनका ही आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो जो थर्ड सब्जेक्ट है बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स में से आपको चुनना होता है। तो इसके आपके टोटल हर एक सब्जेक्ट के जो आपका हर एक सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है इस एंट्रेंस टेस्ट में, -1 नेगेटिव मार्किंग है, +4 आपका अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो। और हर एक सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम, 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलता है आपको। और आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो एक ही दिन होता है, तो टोटल आपको 1.5 घंटे 1.5 घंटे 4.5 घंटे का आपका तीनों सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होता है। और जो एग्रीकल्चर के वाले स्टूडेंट उनके लिए अलग डेट होती है, और जो बाकी जो अलग जो सेक्शन है PCB PCM उनके लिए अलग डेट होती है जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके जो सीटों के बारे में, तो ये सीट आप देख सकते हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है। प्रतिशत आपका SC कैटेगरी की 16% सीटें, ST की 1% होती है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC की 18% सीटें होती है। तो इस प्रकार से ये रिजर्वेशन पॉलिसी है आपकी। और अब हम देख लेते हैं बाकी जो स्टेट कोटा है और कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको, इसका वेबसाइट का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो लास्ट ईयर का शेड्यूल रहा था वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, तो ये लास्ट ईयर का शेड्यूल रहा था। और जो फ़ोटो आपको अपलोड करनी होती है वो इस प्रकार से आपकी होनी चाहिए, आपका नेम और डेट होनी चाहिए और फ़ोटो होनी चाहिए। और जो इनकी स्पेसिफिकेशन है 3.5 सेंटीमीटर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़। तो इस प्रकार से आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी होती है। अब हम आगे की जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। और जो आपके ज़िला कोड है वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त देने होते हैं। तो ये ज़िला कोड है, ये आप देख सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वेबसाइट आपको दे ही रखी है PCECEboard.BR.gov.in, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए। 2021-22 सेशन के फॉर्म्स अभी तक रिलीज़ नहीं हुए, जैसे रिलीज़ होते हैं हम आपको इन्फॉर्म है वो कर देंगे। तो वो जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है वो 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 500 रुपये है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी आपकी 1000 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक और बायोलॉजी ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो आपको 1100 रुपये आपकी अप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है। और अब हम बाकी जो सीटें हैं वो देख लेते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। ये आप देख सकते हैं फार्मेसी पाठ्यक्रम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और जो आपकी रेजिडेंशियल है केवल वही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और जिनके माता पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं वो बिहार के किसी निबंधित शरणार्थी हैं या आपके माता पिता दूसरे राज्य के लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं। तो सिर्फ बिहार के जो रेजिडेंस हैं डोमोसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं या बिहार में आपके पेरेंट्स हैं कोई जॉब करते हैं बिहार गवर्नमेंट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं या पूर्व में बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी जिनकी विभाजन अभी नहीं हुआ है लेकिन जिनका पद बिहार झारखंड राज्य में भी अभी भी स्थानांतरित है तो वो अप्लाई कर सकते हैं जिनका बिहार और झारखंड में वो जॉब करते हैं। तो इस प्रकार से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरे जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए। और जो आपकी आयु सीमा है वो आपकी मिनिमम 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और अब हम देख लेते हैं कौन से कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज की लिस्ट हम देख लेते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर किसी संतान बीएससी एग्रीकल्चर हो गया बीएससी हॉर्टिकल्चर की 50% सीटें हैं या आपकी विषय दे रखे हैं आपको ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ये सीटें आप देख लीजिए फार्मेसी की बी फार्मा की एमआईटी मुजफ्फरपुर में टोटल 60 सीटें कैटेगरी वाइज सीटें आप देख सकते हैं। जीपीआई गुलजारबाग में आप बी फार्मा की सीटें देख सकते हैं 120 टोटल सीटें हैं आपके इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो एडमिशन होते हैं बी फार्मा में तो ये कैटेगरी वाइज सीटें भी इनकी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी बीपीटी की 20 सीटें हैं आपके बीआर कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो आपका पटना में है कैटेगरी वाइज सीटें आप देख सकते हैं। और सभी बिहार के जो स्टूडेंट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा इसमें नहीं है 20 सीटें वो सभी स्टेट डोमोसाइल उन्हीं के लिए हैं। उसके बाद बीओटी की भी 20 सीटें हैं। अब जो आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनकी सीट स्टेटस भी आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की 20 सीटें ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की 20 सीटें रेडियो इमेजिंग की 20 सीटें ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी की भी 20 सीटें ये सभी जो आपका है ये पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो आपका पटना में उस कॉलेज में आपकी ये सीटें कैटेगरी वाइज भी आपको दे रखी है टोटल 80 सीटें हैं बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की बीसीई आपका जो 2021 में एंट्रेंस टेस्ट बिहार में होता है उसकी। उसके बाद बीएससी नर्सिंग की आपकी 60 सीटें हैं बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना में और उसके बाद 60 सीटें हो रहा 60 सीटें हो रहा इन सभी की कैटेगरी वाइज सीटें भी आप देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हमने पहले बता दिया है सभी कोर्सेज के लिए। और ये जो बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर बीएससी फिशरीज़ है उनकी जो सीटें हैं वो आप देख सकते हैं आईसीआर के थ्रू भी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आईसीआर के थ्रू आप बिहार स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं 9-9 सीटें हैं सभी एग्रीकल्चर कॉलेजेस में इस आईसीआर के थ्रू। और बाकी कैटेगरी वाइज सीटें आप देख सकते हैं टोटल 62 सीटें आपके बिहार कृषि महाविद्यालय भागलपुर में और उसके बाद सहरसा में 60 सीटें हैं। और इस प्रकार से ये सीटें हैं जो आपकी ये देख सकते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की 25 सीटें आपके नालंदा में जो आपका कॉलेज है और जो आपके बीबीएससी की सीटें हैं वो भी आप देख सकते हैं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंदर जो आते हैं आपके तो इसमें आप देख सकते हैं बीएससी फिशरीज़ की सीटें दे रखी है सॉरी वेटनरी की नहीं है बीएससी फिशरीज़ की सीटें ये भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सीटें हैं और ये सिलेबस है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस का और आप इसमें भी वीडियो में भी देख सकते हैं ये सिलेबस है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सभी का सिलेबस दे रखा है तो इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं ये सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सभी जानकारियाँ थी आपके लिए अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो भी आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकें। प्लीज़ ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए आगे भी आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें। और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो कोई डाउट हो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद।